नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन, कहा मुख्यमंत्री ने जो कहा करके दिखाया। कहा दो बुलडोजर रखते हैं मुख्यमंत्री, एक से होता है विकास तो दूसरे से बुलडोजर से माफियाओं की संपत्ति को किया जाता है ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वह करके दिखाया है। उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, जबकि बाकी बचे आरोपियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शे के बनाए गए उन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो तरह के बुलडोजर रखते हैं, एक बुलडोजर प्रदेश में विकास कर रहा है तो दूसरा बुलडोजर उन माफियाओं की संपत्ति को ध्वस्त कर रहा है जिन्होंने अपराध कर संपत्ति अर्जित की है, बिना नक्शे के बिल्डिंग खड़ी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज्य है। राजनीति में इसको हम एश्योरेंस इन द हाउस कहते हैं। जो उन्होंने कहा वो एश्योरेंस होता है और अपने एश्योरेंस को उन्होंने निभाया भी। ये कहना कि माफिया के खिलाफ मिट्टी में मिला देंगे, उस श्रृंखला की पहली कड़ी में परसों एक अपराधी जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था वो मारा गया है। इसी प्रकार से आज इस अपराध में निर्लिप्त लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूपी के मुख्यमंत्री का कि वो दो बुलडोजर रखते हैं, एक से विकास कार्य होते हैं तो दूसरे से जिन अपराधियों ने तमाम संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जो नक्शे में विश्वास नहीं करते हैं, जो प्राधिकरणों की मर्जी के बिना बनाते हैं, ऐसे लोगों को तमाम नोटिस दिए जाने के बावजूद जब वो अपनी संपत्ति को नहीं तोड़ते हैं तब ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है। पुलिस उसमें मदद करती है विकास प्राधिकरणों।